स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ और टाइम दिनों दिनों भी, भी नहीं मिल रहा था तो आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है बहुत स्पेशल भी है क्योंकि आज का जो वीडियो बन रहा है वो एक बहुत बड़े लेजेंड जो कारीगर है कलकत्ता के और छुपे हुए उस्ताद है मतलब छुपे हुए जेम्स है तो उनके बारे में है तो बहुत जन जानते हैं उनको और जो जानते नहीं है वो आज का वीडियो से उनको जान पाएंगे ठीक है सलाम उस्ताद ठीक है जो अभी बैठे ठीक है तो इनके बारे में आज टोटल होगा हालांकि उनका इंटरव्यू वीडियो तो नहीं है कहीं कही पर लेकिन ये इतना अच्छा उमदा मेकर है और इतना लेजेंड कारीगर है तो उनके बारे में मेरे हिसाब से सबको जानना चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और कुछ इनके पीछे का दोस्त है जो इनको मतलब अच्छा सपोर्ट भी करता है और भाईचारा में जिनके सोर्स में मैं आया हूँ आसिफ भाई उनके भी बारे में मैं बात करूंगा तो ये पूरा वीडियो मेकिंग के ऊपर होगा पतंग के ऊपर होगा तो आप थोड़ा देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सलाम उस्ताद के साथ नमस्ते उस्ताद और आपको बहुत सारा मतलब वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल पर तो मेरा यूट्यूब चैनल पे लगभग पतंग के बारे में सब पतंग का डिटेल्स या पतंगबाजी में ये सब वीडियो बनता है तो थोड़ा कुछ हम लोग का आपसे आप बातें होंगे पतंग के बारे में तो पहले बात आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना पतंग बनाते हैं पतंग में उन्नीस का बर्थ है उन्नीस सौ सत्तर से पतंग बना रहा हूँ उन्नीस सौ सत्तर से दस साल का उम्र था अच्छा

87 से मैदान में टूर्नामेंट वगैरह लड़ाते रहे okay. और काफी नाम था वहाँ पर बहुत पुराने लोग भी जानते थे सब जो वहाँ के पुराने लोग, अच्छा. वो लोग सब हैं हमको. अच्छा. और नाम से सभी वाकिफ हैं जितने पुराने लोग है एट्टी okay. 87 से लेकर के 93 तक का बहुत सा टूर्नामेंट लड़ाया नाइन्टी में ऑल इंडिया में विनर हुए इंडिया टूर्नामेंट में अच्छा विनर हुए का अच्छा, उम, उम, अच्छा। नहीं बहुबार नहीं जो है ना फ्रेंड क्लब था 90 okay. में, okay. okay. में फ्रेंड क्लब था उसके बाद 93 में बेटे बाबू का नाइन्टी थ्री अच्छा, अच्छा। अच्छा। में रनर हुए थे अच्छा okay. जो के आपका बरेली के शंभू के साथ में जो है टूर्नामेंट हुआ था फाइनल फाइनल में रनर थे अच्छा नाइन्टी थ्री के बाद में पतंग छोड़ दिया थोड़ा अच्छा उसका कुछ हाँ? रीजन कुछ मतलब कारण माने संसार को देखना था कचा लोग आए छोटा छोटा आच्छा, अगर आच्छा. हम रहेंगे जो ना पतंग का दुनिया में थोड़ा इनकम कम के वजह से अपना अच्छा ये मतलब छोड़ करके अपने संसार को देखने लगे थे अच्छा उसके बाद में 2006 से फिर पतंग बनाना शुरू मतलब लगभग बारह तेरह साल बारह तेरह साल एकदम छोड़ दिया था मतलब इस दौरान आपका कुछ कनेक्शन जाना आना कुछ नहीं पूरा डिटेल एकदम पूरा एकदम ओके फिर कितने साल बाद 2006 से फिर आस्ते आस्ते करके पकड़ा ओके जो है थोड़ा बहुत पतंग लड़ाया Okay. 2010-15 तक का अच्छा उसके बाद 14-15 से भी छोड़ दिया इसलिए उम्र हो गया पतंग लड़का अच्छा अच्छा नहीं और भी एक चीज है मेरा जितना जानकारी है पतंग वाले उड़ाने का टेक्निक भी थोड़ा सा पहले से चेंज हुआ क्या हाँ, पहले जो था तो बाहर वाले आ करके यहाँ पर जितना लड़ाने का ढंग है अच्छा तो यहाँ वाले देखते रहे अच्छा तो इन लोगों के अंदर में बहुत सूझबूझ आया उसका बाहर वाले की क्वालिटी का भी चेंज हो टेक्निक का भी थोड़ा चेंज आ गया टेक्निक का भी चेंज आया अच्छा पहले तो बाहर वाले आते नहीं थे इधर

मतलब आजकल के दौर का जो टेक्निक है आ, जो लड़न है आ, उसको देख करके अपने को बदलाव किया उसके अंदर एक में। दब, आगे एक के जो है आगे जो है है आगे दो हजार लड़ता था हम लोग ब्रिगेड में दो हजार के ऊपर छोटा में एकदम लंबा, हो, लंबा होता था झोल एकदम मैदान में बहुत दूर तक का आठ दस आदमी लाइन से खड़ा रहता था झोल झोलने के लिए कोई आने जाने वाला दिक्कत नहीं होगा हाँ जो ना दिक्कत नहीं है अच्छा और अभी तो कोई है। नहीं छोटा अभी आ जाता छोटा खिस्तान है। सही है, सही है। मतलब कैसे आना हुआ का आप से है या किसी से नहीं, कि है कि हम हम जहाँ रहते थे खातून से सिमा के पीछे अच्छा वहाँ के मालिक खातून महल के मालिक जो है वो लोग और भी इलाकाई जितने लोग है ये लोग बहुत शौक करते थे अपने अपने में शौक करते थे उस वक्त मिठाई बाजी वगैरह होता था अच्छा हाँ, शौक होता था शौक होता था तो इन लोग के साथ में रह करके माझा सुतना अच्छा रुटी बनाना अच्छा ये सब करते रहे ओके समझे करते 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 फिर उसके बाद में आस्ते आस्ते अपने आप बनाते, आपने आप, आप बनाते रहे अपने आप बनाते रहे इसके अंदर में सुधार आया बहुत अच्छा और आज आप लोग के आगे है की अच्छा है क्या बुरा है आप तो लेजेंड है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा अभी जैसे आज का जनरेशन जो पतंग लड़ा रहा है या पतंग जो भी बना भी रहा है क्योंकि मेरा चैनल में ऐसा भी कोई बंदा है जो पतंग अभी बनाना है स्टार्टिंग किया है आ, तो अभी मान लीजिए जो पतंग कोई नया अभी बना रहा है आ, तो उनका पतंग का बारे में क्या उनका सोच होना चाहिए कि एक पतंग कैसे अच्छा दिखना चाहिए तब तो बनेगा तो एक पतंग में क्या खासियत होना चाहिए आपके हिसाब से पतंग में खासियत हो जैसे कोई एक पतंग आप थोड़ा अगर मुझको दिखा के बोलेंगे मान लीजिए कोई एक पतंग जैसे एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये जो है पतंग को देख लीजिए दोनों तरफ से कुंदा के ऊपर में काम किया हुआ है ओके कुंदा मतलब जो तो कमान का हाँ कमान का डबल गार्ड का पतंग है अच्छा और इसका पिट्ठे के ऊपर में काम किया हुआ है अच्छा इसका जो ठड्डा है अच्छा मुंह के तरफ में हाँ छिलाई है थोड़ा। के तरफ में छिला हुआ है ओके ये इधर में थोड़ा ज्यादा है इधर कम है थोड़ा कम है इसका ताकत यहाँ पर है ठड्डा स्प्रिंग हो रहा है इलास्टिसिटी है इसमें हाँ, ज्यादा ओके स्प्रिंग होना चाहिए के अंदर में स्प्रिंग होने से क्या है और जो है ना जो है ये अगर खींचा जाएगा हाँ, लंबा हल्का जाएगा एकदम हल्का पानी कैसा दौड़ता जाएगा अच्छा हाँ इसको पकड़ेगा ये पत्थर कैसा भारी हो जाएगा मतलब सूता लेगा टाइट हो जाएगा टाइट हो जाएगा अच्छा ओके ये खासियत होना चाहिए पतंग के अंदर अच्छा अच्छा पतंग तो आप को आप है अच्छा।, पतंग पता चले, आराम हो आराम हो हाँ। अच्छा और भी एक चीज है जैसे आप तो पुराने हैं लड़ाते भी थे आपको तो आइडिया होगा पतंग का करना भी ना मैटर करता है कोई कोई पतंग आप किसी को दिए लेकिन पतंग का अगर करना सही से सही जगह पर नहीं होगा तो पतंग का तो चाल चेंज हो सकता है चेंज जैसे मान लीजिए ये पतंग है इनके एग्जैक्ट आपके हिसाब से करना कहां पर होना चाहिए अगर कोई दो सौ पांच सौ में भी, भी तो करना कर... का तरीका, तरीका है, क्या है यहाँ पर है ये तो करना यहाँ है हाँ. यहाँ पर बांधने से किसी भी तरह का ये कर सकता है मतलब आप दूर हाँ. में भी लगा सकते हो आप खींच भी सकते हो खींच भी सकते हो अच्छा ओके अच्छा अभी जैसे अभी आप जो पतंग अभी रिसेंटली तो कुछ पतंग बनाते हैं ठीक है तो पतंग का मटेरियल्स के ऊपर क्या कुछ डिपेंड करता है कि आप पतंग कैसा होगा या ऐसा क्योंकि जैसा अभी का सिचुएशन जो चल रहा है मटेरियल्स सही से आपको कोई मतलब यूज नहीं करता है तो आपके हिसाब से मटेरियल्स मैटर करता है कागज वगैरह कमान वगैरह मतलब जो जो पतंग के अंदर में ले जो है मतलब सबसे बड़ा अहमियत रखता है ले अच्छा ये जिससे जो है मतलब कागज को छाटा जा रहा है okay. माने कमानी ठड्डा को पकड़ा जा रहा है अच्छा ले अगर अच्छा तरह से नहीं बनाया जाएगा उसको अच्छा तरह से नहीं किया जाएगा अच्छा ले ऐसा होना चाहिए जिस वक्त कागज में लगाने के वक्त में एकदम मक्खन होगा मक्खन जिसको बटर मतलब कोई उसमें दाना नहीं रहना दाना चाहिए एकदम एक भी दाना रहेगा तो कागज को टांग लेगा फिर अच्छा ज्यादा हो जाएगा उसमें हाँ, वो जो है कागज को उठाने का अच्छा उसमें जो है पानी दे दे करके ले को इतना करना होगा कि मतलब ले तो बटर के हो। बटर को जैसे उठाया जाएगा अच्छा, से, अच्छा, बटर जैसा एक दब, तो ले उसी तरह से नजर आएगा अच्छा तो तब तो उसका पतंग का फिनिशिंग फिनिशिंग अच्छा अच्छा होगा लेकिन पतंग जब आप लोग आप जब चलाते हैं जैसे कमान वगैरह चलाते हैं तब तो पतला ले अच्छा माने टाइट टाइटली से कमानी चढ़ा लेना है लेकिन वगैरह जो है अच्छा उससे जो है थोड़ा सा नरम होगा और जो सब डोरी वगैरह पलटी होता है ओके वो ओके, जो है थोड़ा सा और ज्यादा नरम होगा अच्छा आ, अच्छा जितना देर में सुखेगा और जो है ठंडा में सूखेगा उतना अच्छा जो ना फिनिशिंग होगा अच्छा अच्छा अभी एक चीज बताइए आप तो बहुत दिनों से पतंग बनाते हैं आपके पास तो पुराना मेटेरियल होगा जैसे मान लीजिए कमान ढड्डा एक पतंग का कमान कैसा होना चाहिए मतलब तो कितना दिन के बाद या कैसा यूज कर कितना दिन के बाद उसको यूज करना चाहिए आपके हिसाब से उसका प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए ऊपर में निर्भर करता है अच्छा मतलब अच्छा हाँ, मतलब मान लीजिए कोई नया हाँ, है उनको हाँ, सीखना है हाँ, तो वो क्या पहला चीज प्रेफर करेगा बांस के ऊपर निर्भर करता है अगर आसाम से जो बांस आता है अगर वो पक्का बांस आता है तो उसको रखने का तो कोई जरूरत नहीं है अच्छा आसाम से जो बांस आता है वो सब कच्चा आता है अच्छा। जिसको जो है पकाने के लिए यहाँ पर उसको हवा के ऊपर में छोड़ दिया देखिए हुआ। हुआ सब रखा हुआ है ठीक है इधर भी बहुत सारे आपको कमान रखा हुआ है आस्ते आस्ते इसका सादापन जो है अच्छा आस्ते आस्ते लालपन के ऊपर में आता जाएगा कलर चेंज होगा हाँ अच्छा उसमें केमिकल वगैरह जैसे कीड़ा लग जाता है कभी कभी उसमें कीड़ा लग जाने से तो मैंने तेल लगा देने से नहीं लगेगा लेकिन मूली का हम काम करते हैं अच्छा अच्छा को, कोई, अच्छा मैंने कोई केमिकल का दरकार नहीं है अच्छा आ, वो रख देना पड़ेगा हम जो काम करते हैं सब गाटदार काम है गाट जो आता है सब मूली का मूली का आता है एकदम एकदम मूली में जो है मैंने कभी ठड्ढा के ऊपर में या जाना कमानी केमिकल यूज नहीं किया अच्छा लेकिन केमिकल अगर यूज भी किया जाएगा तो सरसों तेल दे देने से उसको सही होना उसमें तो उसमें लगा कीड़ा तो और नहीं अच्छा ये होना चाहिए ये होना अच्छा और जैसे आप तो अभी जैसे पतंग ये सब बनाए ये सब पुराना पतंग है ठीक है तो पतंग का जैसे इधर बहुत सारे पतंग हम देख रहे थे कि इधर आपका सब रेडी किया हुआ होता है तो एक चीज हमको बताए एक पतंग अगर बनाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पतंग आप थोड़ा दीजिए थोड़ा पुराना कोई और ब्लैक कलर का जो नया बना है नीचे का नीचे का अब एक चीज आप देखिए जैसे उस्ताद ने ये पतंग ताजा बनाया ताजा बनाया बना ना उस्ताद थोड़ा यह पतंग हाथ में लीजिए एक चीज आप लोग को आप देख लीजिए मान लीजिए पतंग आप ताजा दिन दिन कितना महीना भर होगा ज्यादा महीना भर तो बार। एक पतंग को कितना दिन रखना चाहिए देख के पता चले कि ये लड़ने का लायक है कैसे कम अज कम चार पाँच महीना रखा जाएगा अगर इसलिए कमानी लगाते वक्त देखिए ये बहुत तो अच्छा चीज बोल रहा है उस्ताद अच्छा ये जो हम लोग कमाली लगाया इसके अंदर में हाँ। ये जो है कमाली को तो हम सीधा लगाया इसको मोड़ करके एकदम ऊपर तो कुंदा से एकदम हाँ। तो कुंदा से इसको जो है हम छील के इसको जैसा होना चाहिए खाका के ऊपर बैठा हाँ। करके इसको टर्न करके बैठाया अच्छा मतलब उस्ताद बोलने का मतलब ये है कि जी ये जो उस्ताद बैठा है तब तो उसको टर्न करके पूरा सीधा करके फिक्स करके बैठा है फिक्स करके बैठाया तो अंदर में एक टान है बाहर भागने का ये okay. ये चाहेगा कि बाहर जाए। मतलब इसका टेंडेंसी ऐसा होगा कि ये बाहर इसको नहीं रखा जाएगा, तो ये जो है अच्छी तरह से टूटेगा नहीं बहुत बड़ा चीज उस्ताद बोल रहे आप लोग देखिए ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए उस्ताद बोलने का मतलब ये है कि एक पतंग जब उस्ताद बनाया है ये तो पूरा टाइट फिक्स किया है तो बोल कि ये पतंग रखना चाहिए नहीं तो इसका जो फ्लैक्टी है जगह पे नहीं आएगा, पे नहीं आएगा आएगा सही ना ओके तो इसका भी एक एज होना चाहिए कि इतना दिन बाद हाँ। जैसे मान लीजिए ये तो नया है इसमें से पुराना पतंग है इसमें क्या चेंजेस आया थोड़ा दिखाइए कमर कोई एक पतंग अब उठा के देखिए इसमें जो है देखिए ये जो है जो हम काम किया था जो हमारा छुड़ी का काम किया हुआ है ये सब अपना जगह पकड़ लिया इसलिए ये कम कम से महीने का रखा हुआ पता ओके मतलब उस्ताद देखिए एग्जाम्पल है ये जो पतंग है ये भी खड़ा मन चला हुआ है लेकिन इसका अगर जहाँ इधर से और इधर से अच्छा से एक घर टाइप हाँ। आ गया है ए, एक और इसमें आपका लोज भी आएगा पतंग उन्होंने किसी के भी हाथ का अगर ताजा पतंग रहेगा तो उसके अंदर लोच मतलब आना बहुत मुश्किल है वो तो अच्छा, लोच ला नहीं सकेगा अच्छा हाँ, अच्छा में तो कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि कारीगर जो ढड्डा पहले से बैठा वही रहना चाहिए हाँ, उस्ताद अच्छा, से जो हम लोग का जान पहचान हुआ है तो वो आसिफ भाई के बारे से ही हुआ है ठीक है भाई वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल पे तो अभी उस्ताद के बारे में आपसे कुछ जान पहचान होगा ठीक है आप कितने दिन से उस्ताद को जानते हैं भाई? लगभग लग लग चार साल हो जाए अच्छा तो पहला आप थोड़ा बताइए की उस्ताद से आपका जान पहचान कैसे हुआ उस्ताद से जान पहचान मेरा ऐसे हुआ कि हम शौकीन भारी के अच्छा भारी पतंग के, के. ओके तो का एक का मिला था से है। कर नाम नाम भी नहीं इतना अच्छा पतंग बनाने वाला आप सोचिए इतना अच्छा फिनिशिंग कलकत्ता का इतना पुराना लेजेंड है उनके बारे में कोई लोकेशन भी नहीं है कोई जानता भी नहीं जो जानता है वो जानता है क्योंकि ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट के मुकाबले नहीं, नहीं है ही नहीं, नहीं, नहीं है मतलब वो शौके शौक से शौक, करते आप शौक देखिए ना आप, आप सोचिए उस्ताद इतना जो लिए है मतलब कमाल रखा है थट्टा रखा है ये भी नहीं है जो स्टॉक है, जो है। भी नहीं है प्लस आज अजंता पेपर किसी के पास अवेलेबल अवेलेबल नहीं है हम लोग भी तो इधर उधर देख सकते हैं ये कुछ तो भी नहीं है बोलने का मतलब ये तो है की शौक शौक और लव मतलब कहा जग रहा है तो अभी तक का इनका जो मतलब एक टाइम का जो इनका शौक है वो नहीं चाह रहे की ये शौक को छोड़े एकदम तो बस यही शौक को हम भी

टाल टाल रहा रहा था रहा था फोन नंबर वगैरह था नहीं कुछ भी नहीं कभी ये फोन नंबर मतलब फिजिकल मीट हुआ फिजिकल कभी मीट नहीं हुआ अच्छा अच्छा फिर एक दिन बहुत हम बोले तो फिर वो हमको बारह पतंग ला के दिया कौन कोई दोस्त दोस्त जो हमको मिला इनसे ओके okay. तो बारह पतंग ला के दिया हमको हम उड़ाए हमको बहुत अच्छा लगा अच्छा पहला पतंग इनका है जो हम रख के नहीं उड़ाए रखा नहीं उड़ा मेरे को शौक था इनका उड़ाने का तो एक्साइटमेंट क्या तो बारह पतंग को रख के करेंगे बारह हाँ। पतंग आया एक दो दिन में उड़ा दिए और वो जो दो दिन में उड़ा इतना भाग गया पतंग तो हम <laughs> कैसे भी मिलने के लिए परेशान अच्छा। क्योंकि शौकीन को हाँ। शौक का जैसा सामान मिल गया तो फिर कुछ बोलने तो का कुछ भी आएगा बोल के बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आए फर्स्ट टाइम तो ये पतंग नहीं दे रहे थे किसी का था तो फिर हम उनको एक वर्ड बोले की टाइम आपके पास है खाली हाथ मत भेजिए अच्छा हमको पीस पतंग निकाल के दिए थे उस टाइम में कहीं पे टूर्नामेंट हो रहा था तब तो आपसे पहचान भी नहीं था तो पहली बार इंटरेक्शन हाँ तो फिर वो हम लोग लग लखनऊ जाने वाले थे अच्छा। तो हम इनका चौबीस अच्छा। तो पीस आपको दिए थे तीस दिन के बाद वही फिर ऐसे रिलेशन हुआ वो उससे रिलेशन इनका रहा नहीं रहा एक दिन इनसे बात हुआ मिले पतंग अच्छा लगा बोले कुछ खामी भी था तो हम उनको बताए अच्छा तो इनका बोलने का मतलब इतना ले जाता है कि हम तो पतंग उड़ाते नहीं है बट हमको मेरा क्या अच्छा चीज है पूरा बोलना बोलना चाहिए उनको चाहिए उनको फीडबैक राइट आदमी को क्या पतंग मिल जा रहा अच्छा लग रहा, उड़ा ले रहा है क्योंकि अगर हो सकता है उसको लगेगा हम इसको पतंग नहीं देंगे जो भी एक्स वाई जेड उसमें नहीं जाना एकदम बट हम उनको बताए उनको भी समझ में पर छोटा सा चीज ये नहीं कि बहुत पतंग खींचने में आज तक पतंग बहुत रेयर है जो पतंग को खींच के उड़ाना पड़ रहा मतलब इतना सही रहता है मतलब मंजा से ही हम डायरेक्टली पतंग उड़ा देते थे हाँ। क्योंकि उस्ताद का, का जो काम आजकल बहुत फास्ट हो गया पहले के हाँ, वही उस्ताद बोल रहे थे हाँ तो हमको भी बहुत स्पीड उड़ाने का आदत है तो हम तो तो भी आ... करना पाने ट्राई भी नहीं किया मंजा से एक हाथ खींचे पार कर अच्छा थोड़ा बीच में बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहे तो आजकल उस्ताद लड़ाता है कि आसिफ भाई जो बोल रहा है कि पतंग लगाओ छोड़ दो आ, तो आप लोग के ऐसा कुछ रीजन था मतलब आप लोग के पास पेशेंस था बहुत घंटा में एक पतंग बनाते थे। हम देखे नहीं है वही तो टू मिनट से भी कम हो गया अच्छा इनका पतंग में टेपिंग नहीं मानना होता अच्छा एक चीज बता रहे पतंग है ठीक है आप देखिए ये पतंग मिनिमम एक से डेढ़ साल पुराना अच्छा देख लीजिए घर घाट का काम आपको खुद ही समझ में एकदम एकदम वो पे भी, उस्ताद का सब पतंग में हाँ, ये भी देख लीजिए हाँ। तो क्या है हम यहाँ पे टेपिंग करते हैं यहाँ टेपिंग करते हैं कन्ना के पास करते हैं सीधा छोड़ देते हैं एकदम टाइम तो भी और जाता इसमें अच्छा भी चीज है अगर तुम टेपिंग करना भी है तो इसमें ना एक बैलेंस एक्स्ट्रा सपोर्ट रह जाता है उसमें अरे एक बार क्या हुआ हमको लेट होता था टेपिंग करने में ये हमको बारह बदन टेप करके भी दे दिया पेपर से पेपर से ही टेप कर मतलब कि तुम खाली गुड्डी उड़ा <laughs> उस्ताद बहुत माने इनका जगह अच्छा इनका अभी अभी थोड़ा ये उनका नाम क्या है हाँ अब आप जब देखें तो ये भी देख लीजिए अच्छा अच्छा थोड़ा मेरा लाइफ का पहला पतंग इनसे लिया हुआ ये वाला पहला पतंग सबसे पहला बार जो पतंग इसको दिए थे आज भी हैं बचा के रखे अपने पास चार अधी मेरे को कितना पुराना होगा भा भाई ये मिनिमम चार साल पुराना है चार साल हाँ क्योंकि तो तो तीन साल से इनसे हम पतंग कंटिन्यू ले रहे अच्छा। पर तीन साल से पहले फर्स्ट टाइम जब पतंग लिए थे वो ये पतंग वाला बहुत अच्छा पतंग है देखिए आप उनका सिर्फ ये एक नॉर्मल कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है और आज के दिन में आप देख सकते हैं हाँ। Stamps भी है क्या तो अच्छा चीज अच्छा अच्छा को, अच्छा को अच्छा अच्छा चीज चीज को को फैलाने भी चाहिए सबको चाहिए जानना भी चाहिए तो ये देखिए ये भी इनका स्टैम्प अभी पूरा एक्चुअली कोई खराब मत सोचिएगा जो अभी देख रहे हैं वीडियो हम लोग का बाहर का भी बहुत उस्ताद है हम लोग पूछते हैं हम लोग चाह रखते हैं कि मिलना है क्या पतंग बनाता हम लोग का सामने में बहुत आदमी रहता है जो हम लोग पता नहीं हमको हाँ। तो मेरा वीडियो से हम लोग यही ट्राई करते हैं उस्ताद कि सबको पता चले अगर आपके पास हुनर है और क्वालिटी है तो सबको पता चले कि हाँ इधर कोई है पतंग बनाता है ताकि ये जो आपका क्वालिटी है वो इसके आगे भी किसी के पास चाहे आपका जो एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर पाए क्योंकि आज का जो पतंगबाजी है वो शौक बहुत कम हो गया ये अब एग्री करेंगे कि पता नहीं है तो हम लोग ट्राई करते कि ऐसा कुछ पुराना लेजेंड वाले जो है उनसे हम लोग कुछ सीखे जो आगे हम लोग कर पाए अच्छा दो क्वेश्चन है जैसे अभी तो आप बहुत साल हो गए पतंग बनाते हैं ठीक है थीके? आपका कोई साखिल है जैसे किसी को सिखाए या। तो अच्छा। इसको छोड़ दे आते दे हैं, सीख चले जाते, बतला देते ना हैं आप जाते तो अभी जानते हैं बाली में बहुत उभरता सितारा बहुत उभरता सितारा मेरे हिसाब से तो वहाँ तो पे है हम नाम तो चलिए बोलेंगे नहीं एक है हम लोग का फ्रेंड सर्कल में ही है बहुत हमको रिस्पेक्ट करता है हम भी उसको बहुत तो इज्जत देते तो आप सोच के देखिए वो इनका इनसे मिलने के लिए हाँ। बाली कितना दूर है हम लोग बहुत दूर भाई इनसे मिलने के लिए बाकायदा वहां से आया अच्छा इनसे काफी चीज रोजा का टाइम था हमको अभी भी याद है वो बारह एक बजे आया है और अच्छा। यहाँ से नौ बजे गया सोचिए उस्ताद भी अपना टाइम निकाले उसके लिए उसको उसको बहुत सारा चीज नहीं आता उसका पतंग पहले और अभी में आसमान और जमीन का पतंग फर्क हो गया प्लस उस्ताद अपना एक पैटर्न काट के दिए उसको बोलो बोले कि तुम ये पैटर्न बनाओ और वो वो पैटर्न में बना रहे बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है देखो जो अब मतलब आदमी है क्वालिटी है जिसके पास नॉलेज बांटना चाहिए।, चाहिए।, भाई एकदम कोई क्या समझता है नहीं समझता है रखने का चीज तो नहीं है ये तो आके मिलो आ, समझ में आ जाए एकदम एक ही चीज़ बोलेंगे अच्छा क्योंकि हम लोग का नियर बाय में भी बहुत सारा ऐसा बंदा है जिसका पतंग पहले में और अभी में बहुत फर्क आया हम ये नहीं बोलेंगे उसमें पकड़ के सिखाया बट बहुत सारा डेवलपमेंट हाँ, हाँ, आ, आ जाता है उसमें अच्छा, तुम्हारा तो नाम क्या है मौही। मौही। तुम पतंग हो उस्ताद का कैसा लगता है बहुत बड़िया मतलब पतंग में सबसे अच्छा चीज क्या लगता है खिंचाई है जैसा चाल चलिएगा वैसा पतंग चलेगा अच्छा कोई डिस्टर्ब नहीं अच्छा अभी इधर कुछ स्टॉक है हम लोग तो का पतंग का स्टॉक है तो हम लोग स्टॉक थोड़ा दिखेंगे इधर बहुत सारे स्टॉक है अच्छा इधर और एक मतलब बैठे हैं बहुत अच्छा प्लेयर है तो आप पतंग लड़ाते तो कौन सा पतंग अच्छा लगता है उस्ताद का जोर हुआ या प्लेन पतंग हल्का मीडियम बाहर गए थे तो रिसेंटली आप जो बाहर गए पांच गद्दा सलाम उस्ताद का गुब्बी से गद्दा मैंने मारा पांच दिए तो अच्छा, अच्छा देखिए तो पतंग, पतंग का तो उस्ताद का पतंग में सबसे अच्छा चीज क्या है मतलब क्या है जो आपको का नहीं, 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 तो नहीं, नहीं पाएगा अच्छा मतलब झोल वगैरह उसको चलाता है जैसे ये एक पतंग अब अब अगर दिखाएंगे ये पतंग थोड़ा पुराना पतंग है जैसे मान लीजिए ये उस्ताद का एक पतंग ये है।, ये है इसमें क्या खासियत है ये वाला पतंग से क्या यही पतंग अच्छा देखिए ये वाला पतंग से तीस का हवा में पतंग नहीं फट रहा था तीस का हवा तो था नहीं पतंग बहक रहा था अच्छा फिर लास्ट टाइम में जिनसे हम लोगों का गेम था अच्छा उनको जब हमने पतंग दिखाया तो वो भी एक चीज बोल दे कि वाकई में आपका कलाकक्षा में भी है देखिए ये पतंग आप सेव देखिए सबसे बड़ा बात है ये गाढ़दार है अच्छा ठीक है और उस्ताद का सबसे जो अच्छा क्वालिटी है वो देखिए क्या क्वालिटी यूज करते हैं पतंग तो सभी बनाते हैं लेकिन क्वालिटी में जान होना चाहिए और क्वालिटी का पहचान भी चाहिए कि जो सब लोग पहचानते नहीं है सोच के देखिए नहीं, नहीं।, नहीं। ये ठीक है। है। अच्छा ये उतरी है अच्छा उत्ताद अपने हाथ से उतर के पतंग बनाते हैं हाँ, ये आप देखिए ना बकायदा आपको दिखेगा ये ऐसा नहीं कि है, तो है, ये, ये, ये ये है।, है।, है। सिर्फ अच्छा, अच्छा, पटल ही काम करते हैं ये पटल बने पटल में काम करते अभी हम लोग थोड़ा उस्ताद आपका पतंग का स्टॉक देख लेते है आप तो पतंग पूरा कम्प्लीट कर दिया हम लोगों के लिए ठीक है तो हम लोग आपका ही पूरा ये स्टॉक देख रहे हैं इधर बहुत सारा स्टॉक है भाई हम लोग को दिखाएगा थोड़ा दिखाओ भाई क्या क्या, क्या पतंग उस बना हुआ है